सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम वर्सेस करने वाले हैं करेक्टर वर्सेस, ठीक है। तो गाइस, आज हम बैटिंग करने वाले हैं और गाइस आज हम टेस्ट करेंगे स्किल, ठीक है। मतलब गाइस स्किल टेस्ट करेंगे, एबिलिटी टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, स्किल देखेंगे। सो गाइस वीडियो की तुम लास्ट तक देखना। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाद जो बेल नोटिफिकेशन बेल भी है उसको और जरूर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ठीक है। सो गाइस चलिए पढ़ते हैं करेक्टर का नाम बता दूं। तो पहला आता है डिमिट्री और दूसरा आता है हमारा CR7, ठीक है। सो गाइस इन दोनों में बेस्ट कौन है, ठीक है, डिमिट्री करेक्टर में और गाइस इस इन दोनों में बेस्ट कौन है, ठीक है। तो गाइस हमारा डिमिट्री करेक्टर भी जो है अभी अभी आया, वो बिल्कुल न्यू करेक्टर है। अगर इसकी स्किल, इसकी एबिलिटी आपने नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, तो इसकी एबिलिटी देखो। लेकिन गाइस आज मैं आपको स्किल दिखाने वाला हूँ। सो गाइस चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्किल के बारे में आपको बता दूँ। तो गाइस स्किल किस इसके लिए है कि गाइस ये क्रिएट करता है 3.5 मीटर का मतलब गाइस 3.5 मीटर का ऑरा क्रिएट करता है, जैसे कि हमारा अलोप करता है, ठीक है। उसे क्रिएट करने के बाद वो हीलिंग जोन बना देता है, उसे जो भी बंदा उसके अंदर होगा, जैसे अलोप का हमारी हेल्थ मतलब बढ़ाता है, ऐसे जो है डिमिट्री हमारी हेल्थ बढ़ाएगा। और गाइस इसकी सबसे बड़ी खास बात कि अगर कोई बंदा उसमें आपको नॉक कर देता है तो गाइज आप ऑटोमेटिकली सेल्फ रिकवर कर सकते हो। सेल्फ रिकवर मतलब आप दोबारा रिवाइव कर सकते हो अपने आप सेल्फ, ठीक है, खुद ही रिवाइव कर सकते हो। और आपका कोई मतलब टीममेट भी अगर उसके अंदर होगा तो वो अपने आप रिवाइव कर सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये, और इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि जो इसका ओरा होता है जो अलोक के जैसा ही, वो अलोक को के साथ अलोक के साथ ही रहता है। लेकिन गाइस इसका ओरा आप जहाँ बना दोगे ये वहीं रहेगा, आपके करेक्टर के साथ नहीं जाएगा, ये एक ही जगह ही रहेगा। तो इसकी स्किल में बात करूँ तो इसका बंडल भी जो है बहुत ओपी है, ठीक है। इसका बंडल की वीडियो अगर आप लोग कॉम्बिनेशन नहीं देते तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, जल्दी से जाकर देखो, ठीक है। तो गाइस इसकी स्किल में जो है मतलब इसका बंडल भी जो है वो बहुत ज़्यादा ओपी है। और सबसे मैंने इसका चश्मा, इसका सन ग्लासेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ठीक है। तो गाइस इसकी एबिलिटी देख लेना। अब गाइस अब बात करते हैं हमारे CR7 की स्किल की। तो CR7 भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करेक्टर है, ठीक है। मतलब गाइस किंग ऑफ द मतलब करेक्टर माना जाता था पहले, लेकिन गाइस अब भी किंग माना जाता है जो इसे अच्छे से यूज़ करना जानता है, ठीक है। तो गाइस ये क्या करता है, ये मतलब फोर्स लगाता है, मतलब गाइस एक फुटबॉल के जैसा मतलब ओरा बनाता है अपने चारों तरफ, और उसे एक कवर के हिसाब से यूज़ करता है। जैसे कोई भी बंदा आपको डैमेज देगा तो आपको डैमेज नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको जो बंदा कोई भी डैमेज देगा तो डैमेज नहीं जाएगा, लेकिन गाइस अगर आप उसे बंदे को डैमेज दोगे तो वो उसे थोड़ा ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, ठीक है, 600% ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। और गाइस आपका मूवमेंट स्पीड जो है 50% इंक्रीज हो जाएगा आपका मूवमेंट। लेकिन गाइस पहले की पता लगे वो 100% हो जाता, लेकिन गाइस अब अपडेट के बाद इसे थोड़ा मतलब लूज़ कर दिया गया है, क्योंकि वुकोंग जो है टक्कर पर चल रहा है इसकी, ठीक है। लेकिन गाइस जो इसके फैन है जो इसे यूज़ करना जानते हैं वो, ये इतना तगड़ा करेक्टर है तो उनके लिए ये किंग माना जाता है करेक्टर में, ठीक है। सो गाइस स्किल जो है मतलब गाइस हम मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन गाइस इसका बंडल बहुत ओपी है, ठीक है। इसका बंडल बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन गाइस जो टोकोप आया था ये बहुत मतलब उसमें मिल गया था, सस्ते में मिल गया था, ठीक है, सस्ते मिल गया था। लेकिन आप इसका रियल बंडल वैसे ही खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा डायमंड, मतलब 1199 डायमंड का है, और डिमिट्री का भी इतने का ही है। लेकिन गाइस हम आपको बता दूँ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, तो मेरे हिसाब से वो है हमारा CR7, ठीक है। अब गाइस अब बताओ क्यों, मतलब गाइस क्यों, क्योंकि ये है कि बंदा आपको बाहर से डैमेज जो इसे अच्छे से यूज करना जानता है उसके लिए बता दूँ, ठीक है। जो बंदा आपको डैमेज देगा, जिसने भी इसका फोर्स क्रिएट कर लिया, तो कोई बंदा आपको डैमेज नहीं दे पाएगा और आप इस कोड को मार सकते हो हेडशॉट अगर आपसे मारने आते। लेकिन डिमिट्री करेक्टर क्या करता है, बस मुझे सबसे डिसएडवांटेज चीज़ यही लगी कि वो अपने ओरे को साथ में लेकर नहीं घूमता, ठीक है, अपने ओरे को साथ में लेकर नहीं जाता, एक ही जगह रहता है। लेकिन गाइस जो मतलब CR7 वो भी साथ में नहीं लेता, लेकिन गाइस वो हमें कवर बना देता है, लेकिन उसमें किसी तरह का कवर नहीं है। अब अलोक में भी कवर नहीं है, लेकिन अलोक जो है अपने ओरे को साथ लेकर घूमता है और आप उसे कवर में छुपा सकते हो उसके ओरे को, ठीक है। लेकिन गाइस ऐसे नहीं छुपा सकते, वो एनिमी को भी दिखता है, ठीक है, लेकिन अलोक का जो होता है वो नहीं दिखता। सो गाइस इसलिए ही मैंने CR7 को मतलब टॉप पर रखा है। गाइस बाकी अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताना, ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या है, मैं आपको ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं बताते भाई, मतलब क्यों नहीं बताते आप, दिल खोल कर बताओ कौन सा बेस्ट है। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी ज़्यादा बेटर देखना चाहते हो न्यू करेक्टर की तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर कर।